माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव जो कल 348 जॉब हंट ड्राइव है, जॉब हंट ड्राइव ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लगातार सभी कैटेगरीज की जॉब के लिए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ऑफिशियली सभी कैटेगरीज की जॉब के लिए लगातार एफर्ट्स कर रहा है। माय डियर कैंडिडेट, मुझे बहुत खुशी है कि दो मिशन अभी हम लोगों ने चले, दीपावली ज्वाइनिंग एक मिशन लेकर के चले थे, मिशन 2025 ज्वाइनिंग के लिए लगातार सभी कैटेगरीज के, फ्रेशर के लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए भी, ऑफिस टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कैटेगरीज की जॉब के लिए एक प्लेटफॉर्म जो फ्राइडे को हम सारी कंपनीज में हम लोग बात करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट शेयर होती है और आपके साथ उसको शेयर करते हैं फ्राइडे को, जो अगले 10-15 डेज तक में काम करती है। कंपनीज कभी कभी आपको रिपीट लग सकती हैं, बट प्रोफाइल्स अलग होंगी, पैकेजेस अलग होंगे, या जो फिल नहीं हो पाई वो होंगी। मैं सीधे 348 जॉब हंट ड्राइव में मैं सीधे आपको कंपनीज को बताऊंगा। साथ ही साथ में अब तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में मंडे से थर्सडे भी सारी कंपनीज में कैंडिडेट्स को भेजना, उनके इंटरव्यूज होना, साथ ही साथ में उनकी शॉर्ट लिस्टिंग, कुछ में टेलीफोनिक वीडियो कॉल से भी कुछ होना। अभी प्रणति में फूड में हुए थे, जूम मीटिंग में कुछ हुए थे, गूगल मीट में कुछ भी इंटरव्यूज हुए थे। तो एटलीस्ट सभी कैटेगरीज की जो प्रोफाइल है उनमें पैकेजेस में हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, कैंडिडेट्स भी उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जितना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उतनी ज्वाइनिंग्स भी ज्यादा आ रही। मैंने देखा है अगर कैंडिडेट सोच ले, एक बार कैंडिडेट के मन में ये बात आ जाए कि सच में जो पैकेज है वो लाया जा सकता है कानपुर में, जो एनसीआर रीजन और बैंगलोर ऐसी सिटीज में खर्चे के बाद नहीं आ रहा है, वो कानपुर में हम लोग जो दे रहे हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कहीं ना कहीं से ये ब्लेसिंग्स और दुआओं का काम है। मैं आ जाता हूँ लोहिया कॉर्प में सीधे, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट में 5 लाख से 8 लाख का पैकेज है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट में इंजेक्टोप्लास्ट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में सप्लाई चेन मैनेजर हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट 70+ का पैकेज है। एस्ट्रल में बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें दो पोजिशन है बट इसमें जो कंप्रोमाइज है, फर्स्ट क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उन वही कर ही पाएंगे और किन का कोई कर भी नहीं पाएगा, उन्हीं को भेजा जाना इसमें है। सेकंड यहाँ पे प्रोफाइल है जो एफएमसीजी जिन्होंने फार्मा में काम किया हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस का मशीन एक्सपीरियंस इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। आरएसपीएल में एग्जीक्यूटिव पैकेजिंग 3.5 लाख से 4 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डीसीबी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर 3 लाख से 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। विश्व समुद्र इंजीनियरिंग में, सॉरी हाँ, इसमें बात हुई है, ये बहुत अच्छा पैकेज आया है। जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट 20 लाख से 35 लाख है। वैसे इनकी जो प्रोफाइल एक डिटेल है जिसका भी टाइम नहीं है, फिर आपके साथ जो चाहेंगे वो 35 लाख के पैकेज में उनके लिए इमीडिएटली बात की जा सकती है। मार्क लेबोरेटरीज में रीजनल बिजनेस मैनेजर MIS कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव 3 लाख से 8 लाख का पैकेज है। कानपुर क्वायर प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिविल साइट इंचार्ज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। होटल लैंडमार्क में रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव 1.5 लाख से 2.5 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेट फार्मा में क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर 2.5 लाख से 3.5 लाख। माँ शारदा फ्यूल में सीनियर अकाउंटेंट जो 30+ के पैकेज में जा सकते हैं। मोनिटी में PA to MD, स्मार्ट बंदा, फॉलोअप में अच्छा हो, जो जो टास्क दिए गए हैं एमडी के उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। सिंपल है, सिंपल कंप्यूटर, पर्सनालिटी अच्छी और इफेक्टिव तरीके से लोगों से टास्क निकाल पाए, क्या किया जाना ये बताया गया, वो बता रहा हूँ। नेटवर्क एडवर्टाइजर में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है जिनका PPT कंप्यूटर ठीक हो। हैवेल्स वेयर हाउस में कानपुर के लिए MIS एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, एडवांस एक्सेल वाले इसमें इमीडिएटली आ सकते हैं। इस पर माइक्रो में जो रिक्वायरमेंट है इसमें ITI फिटर डिप्लोमा मैकेनिकल कैंडिडेट्स फॉर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, ये इंटरव्यूज हुए हैं 12 पास आउट के अलग से इंटरव्यू, ये मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी के इमीडिएट हुए हैं, अभी हुए हैं। बैलूतिया इंडस्ट्रीज में सीतापुर में असिस्टेंट मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिस मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। कानपुर प्लास्टिक में एग्जिम ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस इन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG लाइसेंस एंड डेलीगेटेड जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में रिक्वायरमेंट 8 लाख तक में है। कानपुर प्लास्टिक में लाइजनिंग ऑफिसर हु कैन हैंडल ऑफिशियल्स
जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जहाँ जहाँ से एनओसीज मिलनी है फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क के लिए जिन्होंने किया होगा वही इसमें आ सकते हैं। थर्मो केयर में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन का रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेटिक पंप में दो इनको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, इनको गुड ग्रेजुएट चाहिए डिजाइन डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ में बीएनआर इंडस्ट्रीज में स्टोर सुपरवाइजर मैरिड फीमेल एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। तेजस्ना इंटरनेशनल में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। प्रीति फूड्स में एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। और साथ ही साथ में इसमें कपिला ग्रुप में मेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए, आदर्श इंडस्ट्रीज चाहिए, फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव कम सीआरई हैविंग नॉलेज ऑफ एक्सेल इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। अशोक टीम में लैब इंचार्ज फूड टेक असिस्टेंट अकाउंटेंट, फूड टेक की बहुत कम आती है रिक्वायरमेंट, फॉर बिलिंग एंड डिस्पैच एंड स्टोर के लिए चाहिए। पाई एजुकेशन के लिए फीमेल रिसेप्शनिस्ट डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। यूरो फुटवेयर में अकाउंट मैनेजर एक्सपोर्ट मैनेजर हैविंग लेदर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 60 तक का पैकेज जा सकता है। अल्ट्रा ब्लेज में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन फैक्ट्री इनको चाहिए, 25 तक का पैकेज इनके लिए जा सकता है। वीके पैकवेल में फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ऑपरेटर मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अंबर एंटरप्राइज में प्लांट हेड रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट के लिए 35 लाख से 50 लाख का पैकेज है। ये पैकेज जो है सीनियर जो कैंडिडेट है जिन्होंने प्लांट हेड देखा है और कानपुर के बाहर फरीदाबाद में रिक्वायरमेंट है। पारस हेल्थ केयर में एचआर बिजनेस पार्टनर 8 लाख टू 10 लाख चाहिए। आईटी हेड में 9 लाख टू 12 लाख चाहिए। पीके पैकवेल में डिस्पैच मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख चाहिए। रुद्रा रियल एस्टेट में ईए आईटी एक्सक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कृष्णा सेंट्रिक में कैड इंजीनियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। होंडा टू व्हीलर में ऑफिस एक्सक्यूटिव गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। कैडबरी में बैक ऑफिस एक्सक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कैडबरी में कैडबरी की जो रिक्वायरमेंट अर्जेंट है वो बैक ऑफिस एक्सक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस डिस्पैच सुपरवाइजर चाहिए। के प्लास्ट में मार्केटिंग मैनेजर सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। वीपी मार्केटिंग बीटेक एमटेक पॉलीमर टेक्नोलॉजिस्ट मिनिमम जो अगर एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए क्योंकि 2.5 लाख पर मंथ का पैकेज है। बंसल पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर मैकेनिकल क्वालिटी सुपरवाइजर परचेज एग्जीक्यूशन स्टोर सुपरवाइजर के लिए चाहिए। आरएचएल टीएमटी में अकाउंटेंट सेल्स मैनेजर फॉर इंस्टीट्यूशनल सेल्स और सेल्स ऑफिसर। देखिए आरएचएल टीएमटी में मार्केटिंग और अकाउंटेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, जिन्होंने इस तरीके का टीएमटी या सरिया जो आपने सुना था उनके लिए बहुत अच्छा है। ये इंस्टीट्यूशनल सेल्स बहुत कर सकते हैं जो उसी सेक्टर के हैं। अशोक लीलैंड में जूनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। हंस एनर्जी में प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल 70 प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल विद नॉलेज ऑफ सीएनसी मशीन 60 पैकेज। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर एचआर का एडमिन मैनेजर विद टेली नॉलेज वेयर हाउस इंचार्ज 33 पिकर्स रिकॉर्ड कीपर इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ऑल टाइम होटल में फीमेल रिसेप्शन विद गुड कंप्यूटर नॉलेज का रिक्वायरमेंट बिठूर में है अर्जेंट। परफेक्ट वेलनेस में एक्सपीरियंस बिलिंग ऑपरेटर चाहिए अर्जेंट, जो जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो। आई डिजाइन में स्टोर सुपरवाइजर फॉर गवर्नमेंट इंडस्ट्री सिविल साइड सुपरवाइजर चाहिए। मोनी टीम में रीजनल सेल्स हेड सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। सुभाष मसाले में मार्केटिंग कम लाइजनिंग मैनेजर लैब केमिस्ट फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद कंप्यूटर एंड टेली नॉलेज। एमपी बिरला में सैप ऑपरेटर टेली ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में ऑपरेशनल प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है जो 80 तक के पैकेज की जा सकती है। सुपर हाउस में ये ऑपरेशनल और सीनियर मर्चेंडाइजर सेटलरी की प्रोफाइल चल रही है। कैलिन लाइट्स में प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर स्टोर कम परचेज की रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में एफएमसीजी में जिन्होंने काम किया हो कानपुर लोकेशन में उनके लिए है। मेंटोरा ग्रुप में हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर की सीसीटीवी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, अगर आप सही तरीके से mysurejob.com के पोर्टल को देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे सही ढंग से, तो आपको बहुत एक अच्छी चीज दिखाई देगी कि 50 लाख का पैकेज 35 लाख पर एनम का अगर पैकेज है तो 10 से 20 हजार वाला पैकेज भी साथ में है, 35 वाला पैकेज भी है, 1 लाख वाला भी है, 2.5 लाख वाला भी है। लेकिन जब आपके अंदर सोच केवल इस चीज को लेकर के होती है, अरे कंसल्टेंसी ये पता नहीं सही हो कि नहीं सही हो, और जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रोफाइल मेकिंग का हिस्सा बन रहे हैं और जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है उनको क्या बात हिट करती है जो ये समझ जाते हैं।
कई लोगों ने अपने मन में बहुत सारे डाउट, दुविधाएं, पुराने एक्सपीरियंसेस को अपने मन में रख करके, बहुत सारी जो पुरानी बातें उनको रख करके किसी भी नई चीज के लिए ओपन नहीं होते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कोई भी नया तरीका हो सकता है, ये कंसल्टेंसी की तरह हम लोगों ने काम जो नहीं किया है, कैंडिडेट की कंपनी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, जेडी को देखते हुए, जिन जिन कैंडिडेट्स ने प्रोफाइल मेकिंग के लिए कहा उनके साथ काम किया गया है, बहुत डिजायरेबल रिजल्ट्स आए हैं जो उम्मीद कर रहे थे कानपुर ऐसी जगह में। सही प्रयास, साफ नियत से लिए गए निर्णय निश्चित रूप से फल आपको रिजल्ट देते हैं। लेकिन आज इस भागदौड़ वाले में ज्यादा हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं कि हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए, इजिली मिल जाए, बहुत आसानी से सब कुछ हाथ में आ जाए, और इसीलिए ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको बड़ी बड़ी बातें दिखा देते हैं लॉलीपॉप की तरह कि हम ये करा देंगे, आओगे तुम यहाँ जॉब लग जाएगी। जॉब हंट ड्राइव बिल्कुल इस बात को कहता नहीं है, वो जॉब की बात नहीं करता, प्रोफाइल बेस्ड जॉब की बात करता है, और उन कैंडिडेट्स के साथ में जिन्हें होमवर्क की जरूरत है उनके साथ होमवर्क करके भी भेजा जाता है। माय डियर कैंडिडेट, इस होमवर्क का फर्क दिखाई देता है फीमेल्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, टेक्निकल्स के लिए। अगर आप ढंग से देख रहे होंगे, विश्वास के साथ देख रहे होंगे, डाउट है, आप फेस टू फेस मिल रहे होंगे, आपको दिखाई देगा सारी तरीके की प्रोफाइल हैं। अभी भी 20% प्रोफाइल कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं, क्योंकि वो कम जब कैंडिडेट होते हैं तो उनके सामने बात करके तुरंत भेजा जाता है। सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव मिस मत करिए, मिशन 2025 ज्वाइनिंग्स में पूरी भागीदारी करिए, और ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है। और सभी कैटेगरीज की कंपनी के लिए अगर आप ढंग से देख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन जिन कंपनी के बारे में आपने सोचा हो उन सब किए हुए उससे ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाना चाहिए, कितना भी माहौल कैसा हो, पर कुछ जगह ऐसी जरूर होती हैं जिनको आप नए नजरिए नए तरीके से देख सकते हैं। बट कंक्लूजन ड्रा कर लिया है, पहले से धारणा बना रखी है, कोई भी चीज़ सही दिखाई नहीं देगी। कल का जॉब ऑन ड्राइव में फेस टू फेस इंटरव्यूज भी होंगे, कई लोग कंपनीज में भी भेजा जाएगा, और साथ ही साथ में कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी होंगे। मिस मत करें, हल्के में मत लें, कुछ ही लोगों की का होता है जो आए, ज्वाइनिंग हुई और अपने घर के उनके खर्चे चालू हुए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysorejob.com, जॉब ऑन ड्राइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, mysorejob.com को गूगल क्रोम में ओपन करिए, सब लोगों में शेयर करिए, हर घर में खुशी आएगी, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपकी अर्निंग जब आएगी समाज में, देश में, सब जगह उसका फर्क दिखाई देगा। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysorejob.com। थैंक यू।